नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया। सरपंच रामचंद्र मोगर करी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम सेहरा से है। बैतूल में आज सुबह 11 बजे ग्राम सेहरा के ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सेहरा में हो रहे भारी भ्रष्टाचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हुए अमजोड़ पर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। उप चक्का जाम में लगभग एक सैकड़ा ग्रामीण उपस्थित रहे। मौके पर SDM बैतूल पहुंचे तथा उन्हें ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सेहरा में हो रहे भारी भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा किया भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा तपछिरा नेगांव मार्ग पर पूर्व में बनी पुलिया की मरम्मत हेतु विगत 4 माह पूर्व निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत सेहरा द्वारा इस पुलिया की मरम्मत कार्य रोजगार गारंटी द्वारा करवाया जाना था, परंतु सरपंच रामचंद्र मोगर करी द्वारा भैंसदेही के ठेकेदार दिलीप बोरबन को ठेके पर देकर बाहर के मजदूरों को बुलाकर कराया गया है, जिसमें रोजगार गारंटी का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिला है। इस पुलिया की मरम्मत में रेत का उपयोग नहीं करते हुए डस्ट का उपयोग किया गया है। सीमेंट उचित मात्रा में नहीं मिलाया गया है। छड़ का उपयोग कम मात्रा में किया है। रेलिंग नहीं लगी हुई है। पुलिया की छत मात्र 2 इंच की है। पुलिया का छत बैठ रहा है। लेंटर के लिए टिट्टे की सेंट्रिंग का उपयोग किया है। इस पुलिया की मरम्मत के लिए 3,04,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई, परंतु इस पुलिया की मरम्मत में लगभग 1,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। पूरे गांव में पानी निकासी के लिए कोई साधन नहीं है तथा पूरे गांव का पानी सड़क पर बहता है, जिससे आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त परेशानी से निजात दिलाने हेतु पूरे गांव में पक्की सड़क तथा पानी निकासी के लिए नाली निर्माण कराई जावे। सरपंच रामचंद्र मोगरकरी और भूरा द्वारा ग्रामवासियों से पंचायत के रसीद से 2 माह तक जल शुल्क वसूल किया गया है तथा 3 माह तक बिना रसीद दिए जल कर लिया है, जिसका ग्राम पंचायत कोई हिसाब किताब नहीं है, न ही पंचायत की रजिस्टर में कोई जल कर दर्शाया गया। सरपंच रामचंद्र की पत्नी इंदिरा मोगरकरी मध्याह्न भोजन समूह की अध्यक्ष एवं पंचायत में पंच है। सरपंच की पत्नी मध्याह्न भोजन समूह में शामिल नहीं हो सकती है, इसलिए सरपंच की पत्नी को मध्याह्न भोजन समूह से हटाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन समूह में भी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि सरपंच रामचंद्र गांव की कचरा गाड़ी का दुरुपयोग करता है तथा अन्य शराबियों के साथ बैठकर कचरा गाड़ी से शराब पीने जाता है। गांव की कचरा गाड़ी गांव का कचरा नहीं उठा रही है। उक्त कचरा गाड़ी को सरपंच अपने निजी कार्य हेतु उपयोग करता है तथा ड्राइवर का पेमेंट पंचायत से कर रहा है। SDM बैतूल ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि वह शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार हमारी मांगे पूरी करो। अरे